मुझे कोई मतलब नहीं है ऋषि से या तुमसे या तुम दोनों से जुड़ी कोई भी चीज से, समझी? मैं यहाँ ऋषि के लिए नहीं आई हूँ। ऋषि नहीं चाहिए है मुझे, समझी? तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। मैं यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, गलती से आ गई हूँ। तुम गलती से नहीं आई हो लक्ष्मी, तुम मौत के मुंह से बाहर आई हो और तुम मेरे और ऋषि का रिश्ता मारने के लिए आई हो। लक्ष्मी, मेरी शादी हो गई है ऋषि के साथ और हमारी शादी को 7 साल हो गए, आज हमारी 7th एनिवर्सरी है। समझ रही हो ना तुम इसका मतलब? समझती हो ना, है ना? और अगर लक्ष्मी तुम्हें ये लगता है ना कि ऋषि तुम्हें याद करता है तो नहीं, ऋषि तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करता। तुम्हारा नाम तक भूल गया है वो, तुम्हारा नामो निशान उसकी जिंदगी से मिट चुका है, समझ आ रहा है तुम्हें? वो तुम्हें भूल गया है। मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ लक्ष्मी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। हर घड़ी, हर समय, हर पल बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। मैं साथ रह सकती हूँ ऋषि के, हमेशा हमेशा के लिए, अगर मैं चाहूँ ना मलिष्का, तो आज भी मैं ऋषि के साथ रह सकती हूँ। मैं उसे अपने साथ रख सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो, लेकिन ये ऋषि मेरा ऋषि नहीं है मलिष्का। देखा मैंने तुम दोनों कितने खुश थे, देखा था ना तुमने हम कितना खुश थे, खुश देखे ना हम लोग, देखा ना प्यार हमारा। और लक्ष्मी, सच में ये प्यार ना दिखावा नहीं था, हम बहुत प्यार करते हैं दूसरे से, बहुत प्यार करते हैं, प्लीज समझो तुम, ये बिल्कुल दिखाने के लिए नहीं था, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, तो प्लीज लक्ष्मी प्लीज, तुम हमारा ये रिश्ता मत तोड़ना प्लीज। मैंने बहुत मुश्किल से अपना परिवार बनाया है, मेरा ऋषि और रोहन, मेरा पति और मेरा बेटा, मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है, रोहन और ऋषि मेरा वजूद है, मेरे जीने की वजह है, मेरी जिंदगी है, प्लीज इन्हें मुझसे दूर मत करना प्लीज, प्लीज 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 इन्हें मुझसे दूर मत करना प्लीज। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मलिष्का, 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 तुमने लक्ष्मी को देखा है क्या? लक्ष्मी? हाँ।